नहीं थी तो हमारे देशन बैठे नु देखा में ना आई यहाँ तक ले हम कह देते नहीं जो हर दफ मार पीट के वे निकालत रहता लोग सब हमने लगे सबूत रहता फिर भी वो हमने का झूठ लिया देता रहा लोग पुलिस प्रशासन भी हुए लोग के ओरिया से होता है तो हमारा इंसाफ चाहिए हर दफ मार पीट के वही कबू नाला में बिक देता लोग तो कबू को जराए की कोशिश करता रहा लोग एगो लड़का बा फिर पेट में बैठे हमारा को इंसाफ निकाले के पड़ल लू अपने के मालिक अगर कहीं अलग रूम लेके रखी तो अपने रह ना हम तो रूम लेके ना रहे एंगे जब घर में इतना दासा करता लो लोग तो रूम में लेके जाइयन अगर फांसी लगा दे चाहे कोनो मार के बिक दे लोग इति कर दे लोग का कह दे लोग अपने से मर गल के तो के रिक्स ली अगर वहां के कहत न कि हम अपना पत्नी संग बच्चा संग हम अलग रहे घर से कचक से निकल जाएगा तो अपने का दिक्कत ना हम ना रहे ना रहे वो घर से निकल के हम ना रहे वो जो हमरा छुटिए सपना दे दे वही में हम खुश बनी लेकिन घर में से हम निकल के बाहर ना रहे आरोप लगा सकता लोग मुआ भी सकता लोग चाहे कोनो लड़के के थी लेके हमरा के आरोप लगा सकता लोग जितना वो डेंजर बा नमस्कार दोस्त हम बानी राधे श्याम पटेल रुआलो देख रहल बानी घंटाघर टीवी। अभी बीरगंज एक छपकैया के रोशनी खातून के घटना जौन बा बहुत ज़्यादा चर्चा में बा। रोशनी खातून के ससुराल पक्ष ओकरा के मारत आ पीटत आ गरियावत आ घर में रहने के दे यानी कि एक बार तो जरावे के भी प्रयास कैले बा कह के रोशनी के दावी बा आरोप बा। ये केस के हमनी के फॉलोअप करते आगिल बानी सन नारायणी हॉस्पिटल में आ कुछ दिन पहले यहाँ लगन में अभी मनमुटाव झे झगड़ा भैर रख मारपीट हो रहा है। रोशनी अभी बीमार बाड़ी अभी देख रहा बनी कैनूला लग रहा बा एने कारी पानी सलाइन पानी चढ़ रहा बा अपने के और नारायणी हॉस्पिटल के इमरजेंसी कक्ष में हमने के बातचीत करे जा रहा बनी पहले बताई कि जे अपने के मालिक साहब के नाम का मोहम्मद वासिम शेख घर का छपकैया वार्ड नंबर 1 अपने घर भी छपकैया वहाँ के भी घर छपकैया हाँ दोनों जाने के छपकैया में गाँव में बगान अपने लोगों के मतलब शादी कब 4 साल पहले कौन वो बच्चा एक वो 3 साल के बेटा बा फिर 3.5 महीने के बेटे में गर्भवती बने हाँ अच्छा अपने लोगों के शादी खूब धूमधाम से भई रहे शुरुआती के बात बताई ताकि कहानी के अपने लोगों के शादी के धूमधाम से तो नहीं के बोल उनका अमी मने हम निके थी शादी जोड़ाएल मैंने दोनों इतनी कहले रही सन तो शादी जोड़ाइला के बाद में उ मैंने झगड़ा झूठ कर ले ली इतनी कर ले ली तो हमने के शादी करे के से इनकार कर देनी सन हमारे बाप मतारी कलक हमने के ना करम सन घर में शादी अभी ने इतना लहर बाजार करता सन तो बाद में कि ना निमन से रखिय सन उन्हें मारे उड़े के धमकी उमकी दिले रहा लोग पहले तो हमारे बाप मतारी सब इनकार हो गल तो हम भी इनकार हो गई नी तो बाद में अमी आके इतनी करे लगली कि हमारे बेटा मर जाए कहत आ ना करेबी ओकरा से शादी तो हम फांसी लग जाएँ हम मर जाएँ हम ना जिए तो ओकरा बाद में मने हमर सास से ले जाके वो अपन इतिहाई झापा बड़ी थी के घर बैठे दियादिन के जेठ दियादिन के तो वहाँ ले जाके निकाह करा दिली अच्छा ओकरा बाद अपने कोर्ट मैरिज हाँ तो ओकरा बाद में फिर हम घर में अइनी लेके अइली तो लेके अइली घर में तो घर में लेके अइली तो ओकरा बाद में हमरा ना उ लोग से ज्यादा इथी रहत रहे ना हमरा के देखे चाहत रहल लोग ना इथी करस लोग तो ओकरा बाद में हम ओकरा के कहनी तो लेकिन ओती बेरा तो हमरा पक्ष में रहलन जे कहीं ओ मतन कहीं थी करत रहलन मानत जानत रहलन तो कहनी तो एक रूम कहनी तो लेकिन जाके कोर्ट में शादी कर लेलन आ कोर्ट में शादी कैला के बाद में फिर निमन से रखत रहलन तो विवाहदार्ता जन्मदार्ता बन थी नागरिकता बन नागरिकता नहीं के बनल खाली बियादार्ता बनल बा तो अब अपने के मतलब वहाँ का कर रहा है अपने के ऊपर का समस्या दे रहा खाना पीना नहीं के देता लोग हर दफ मारत पीटत रहता रहा लोग घर में नहीं के रह देता लोग बहुत आ लोग मुआदम सन आ ना तो 3 लाख रुपया लिया के दे आ ना तो तुरा के मार के बिक देम सन काथी लाए 3 लाख रुपया कथी का का जाने वो हमरा पता नहीं के खाली यही कहता लोग हमरा 3 लाख रुपया चाहिए आ अपने के मालिक साहब ने करी विदेश रहे नहीं सुनल जाला कहाँ रहे हाँ कतार में रहत रहलोग तो कतार में 2.5 साल रहलोग 2.5 साल के बाद में आए रहलोग तो फिर जाए के थी कोई रहलोग अच्छा तो अपने कतार में रहत रहनी है मालिक साहब और हुआ कहाँ हम अपन नहीं थी ना ही यार
गैलन ओकरा तनके दिन के बाद माने हमर दियादी ननद में अथी भल माने चाय कप तन के खा लेनी तो वही खातिर हमर ननद लगली गड़ियावे रानो बाड़ी नु एगो ननद तो उहे लगली गड़ियावे मारपीट करे लगली कि सौतिनिया के निकाल एकर भातार कमा के देले बाटे कि खाई ई कमा के धैले बिया चाहे एकर बाप मतारी कमा के देले बाटे कि खाई ना खाए देम हम तो वही खातिर मारपीट के मने अथी कैली आ घर में से अमी आ उ मार के निकाल दे रहलो तो निकाल दे रहलो तो घरे अइनी तो घरे अइनी तो कहल लोग बिहान कौन सवेरे अथी वही राते में निकल ले रहलो बिहान सवेरे अथी वही तो मने आ ननी आके हमर देवर हमर भाई के मार के गिरा दिलन आ फिर से हमर मतारी के हाथों तुड़ उड़ दिलन मारपीट के सब अथी कर उड़ के एने से चल गइलन तो मने कौनो अथी ना भल अथी बेरा पुलिस प्रशासन कौनो कुछ ना कैल लोग चारू गोड़ी अथी भल तो ओकरा बाद में मम्मी शांत हो गई नी सन हमर बाप मतारी कहल कि यहाँ रह आ तोर दुल्हा अह तब ओकरा बाद में फरियाई मेन तोर गार्जियने नहीं कहन तो कथी करल जा आ पुलिस प्रशासन भी कुछो नहीं के सुनता रहो कौनो के कुछ नहीं के करता रहो तो अपने ये अस्पताल में काहे भरना बनी अभी माने हम गई थी महिला में पहले थी भल सामान जरैल लोग हमने बीफे के दिन आज 10 दिन हो गए शायद अगला बीफे के दशहरा के दिन के दशहरे के दिन के बात होगी तो वे ओ दिन मने अथी सामान पूरा जरा दिल हमरा जरा कोशिश कैल लोग हम भाग के नहीं घर में से तो पूरा सामान हमारे जितना बाप मतारी दिल रहे सब जरा दिल लोग सोफा जरैल बड़ा लोग पलंग तोड़ के और जरैले बड़ा लोग पलंग टूटल उटल बाटे अथी भैल बाटे मैंने पूरा पलंग सापा तोड़ के नहीं जरैल लोग पुलिस में अपने के निवेदन दिले बानी हाँ पुलिस में निवेदन दिले रहनी तो पुलिस में पकड़ाए रहन तो पकड़ाए रहन तो मैंने हमरा के जराए कोशिश कैल लोग हम घर में से भागल भगनी तो हमारे सामान जराइल लोग ओकरा बाद में पुलिस में अनी तो अथी भल तो घींच के आदमी ली आए उ लोग के तो फिर बैजू बारन बैजू आ फिर से राजेश मान उ छोड़ा के ले गैल लोग तो छोड़ा के ले गैल लोग तो एम से तो हमने महिला में केस कैनी सन तो महिला में सब दोनों पक्ष के आदमी गए तब कहल हम कहत रहनी हम ना जाए वही थी करा तारा लोग निमन से इतनी करा लगन तो मने उम्मीद सब इतनी महिला वहिला सब कहल लोग आ दोनों पक्ष के लोग कहल लोग कि जो बबी अब से ये बात ना हुई हमार सास कहली ठीक बा एक बार और चल ए पर से कोनो बात हमनी ना करेम सब रह दे एक बेर और हमनी के इतनी कर दे अब ए पर से कोनो बात हुई तब हमरा से इतनी करिए तू तो मने केहू करके ले गैल लोग हम हाँ तो फिर ऊपर कहत रही हम ना ले जाए तो मने समझेल समझेल लोग तो मर ले गैली ठीक बा चल तो गईनी तो ओकरा बाद में हमरा के रोज गड़ियावत रहल लोग रोज नने बारन हमर देवर उ रोज इथी करता रहन रोज गड़ियावत रहन रोज इथी करता रहन कि बोल अच्छा एकरा के छोड़ कथि नाम शेख शाहनवाज अच्छा एक बात बताई कि जो अपने लोग के शादी भइला के बाद में एगो बच्चा भी जन्म गइल कितना साल तक ले अपने लोग के संबंध बढ़िया रहे या काहे खराब उहे साल डेढ़ साल सही रहे ओकरा बाद में विदेश गइलन तो विदेश गइला के बाद में झड़ झगड़ा भइल मने तो हमरा के मार के केतल लोग तब हमर मतारी उतारी के हाथ तोड़ लेलो ओकरा बाद में मियां भी रहे लगनी तो अपने के माया ना लागल जे पति के घर छोड़ के हम अपना घर काहे रहल त ना कहो बेर हम गइलो बानी जा अपन सास के गोड़ पर भी गिरल बानी कि अमी हमरा के ले चल ले चल हम भी हमर मतारी भी गिरल बिया कि एगन मत कर लगन यहाँ बिया लोग हंसत अटे हमनी के गाँव के और घर तीन के लोग नहीं खे थी तो सब लोग हंसे थी करे कि नैयर में लोग तो कह रहा बा कि जे मतलब रोशनी है हमनी के फंसावे के चाहत रही कबो नाला में पटा जाता रही कभी जरे के प्रयास कर रही तो कबो मार गए ओइसन आवारी हो तो हमर देसन बैठे नु देखा में ना आई यहाँ तक ले हम कह देते नहीं तो हर दब मार पीट के उहे निकालत रहता लोग सब हमनी लगे सबूत रहता फिर भी वो हमनी के झूठ लिया देता रहो लोग पुलिस प्रशासन भी उहे लोग के ओरिया से होता रहे ओइसन का चाहत नहीं तो हमरा इंसाफ चाहिए हरदम मारपीट के वही कबो नाला में बिक देता लोग तो कबो के जरा कोशिश करता रहा लोग एगो लड़का बा फिर पेट में बैठे हमरा कोनो इंसाफ निकाले के पड़ल लो अपने के मालिक अगर कहीं अलगे रूम लेके रखी हन तो अपने रह ना हम तो रूम लेके ना रहे एंगे जब घर में इतना दासा करता लोग लो, तो रूम में लेके जाइयन अगर फांसी लगा दिल चाहे कोनो मार के बिक दिल लोग इति कर दिल लोग कह दिल लोग अपने से मर गल के तो के रिस्क ली अगर वहाँ के कहतन कि हम अपना पत्नी संगे बच्चा संगे हम अलगे रहे हम घर से कचकच से निकल जाएंगे तो अपने का दिक्कत ना हम ना रहे ना रहे वो घर से निकल के हम ना रहे वो जो हमारा छुट्टिए सपना दे दी वही में हम खुश बनी लेकिन घर में से हम निकल के बाहर ना रहे
तो वैसे हमरा के औरी उ देखे के ना चाहेली घर में रहे ना देवे के चाहेली वैसे कहली एकरा के एक दू तीन हम घर में ना रखे घर में रखतनी मालिक के मतलब दोसर शादी कराओ के भी मांगे हां मामा के बेटी से 10 लाख रुपया देता लोग तो वे कहता रही 3 लाख रुपया दे आना तो हम अपन इसी के भाई के बेटी से शादी कराए 10 लाख रुपया देता लोग आ आए रही घरे एक बेर। दर्शक बिन आई हमने के रोशनी खातून के बात सुननी सन एक बाद हमने के उप पक्ष के जे मतलब यहाँ के श्रीमान बने यहाँ के पति बने शेख मोहम्मद वासिम और वहाँ के माई आयशा खातून जे बाड़ी उनका से भी हमने के बातचीत करब सर।